ये लास्ट में ये वाला लास्ट। हाँ ये किसका है दादाजी? ये है भगत सिंह नेगी, जगत सिंह नेगी और कृपाल सिंह नेगी जी का। अच्छा ये वाला मकान। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है। अभी नया बनाया इन्होंने मुझे। अच्छा नया ही बनाया अभी घर इन्होंने। हाँ अभी इसकी मरम्मत कर रहे हैं। हाँ जी। और ये बलवंत सिंह नेगी। हाँ। और धीरेन्द्र सिंह नेगी जी का। अच्छा ये भी दिल्ली रहते हैं? हाँ ये भी दिल्ली रहते हैं, रोहिणी में रहते हैं। अच्छा ठीक है। ये मकान है संजय नेगी और अर्जुन नेगी का। अच्छा ये वाला है? ये वाला। अच्छा इतना वाला। तो सब देख लो अपना घर जो जो लोग दिल्ली रहते हैं और गांव नहीं आ पाते वो अपना घर देख सकते हैं। अरे हाँ ये डॉक्टर जेएस नेगी जी का, जिनका क्लिनिक अपना ऊपर है। हाँ, उनका पुराना घर ये है। अच्छा ठीक है। ये जेएस नेगी जी का है। अच्छा और ये वाला घर है जो ना। हाँ ये इनको सुखदेव सिंह नेगी। हाँ बीजदेव सिंह नेगी। अच्छा और सत्यदेव सिंह नेगी। अच्छा उनका घर है। हाँ जी हाँ जी। अच्छा ये इनका। अच्छा ये मंदिर है यहाँ पे। ये अपना मंदिर बना रहा है। मंदिर बना रखा। ये भी किसी का घर है? और ये बलवंत सिंह नेगी और धीरेन्द्र सिंह नेगी ये दोनों का उनका मकान। ये नया बनाया, वहाँ भी था इनका, ये यहाँ पे भी। अच्छा ये था, ये है मोहर नेगी। अच्छा कौन से? मोहर नेगी। मोहर नेगी है सारे। अच्छा हाँ हाँ जी। और ये संतन सिंह बिस्ट। हाँ हाँ। और होशियार सिंह बिस्ट। अच्छा ये इनका है। हाँ हाँ हाँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वीडियो देखी थी आपने? हाँ देखी थी। मेरा आवाज क्या सुनता है? कहाँ जॉग जॉग ली गए? किस किस लोगों ने देखी? सबने देखी। अच्छा ये गबर उनका मकान है, क्या बोलते, विनोद सिंह बिस्ट। हाँ हाँ। और कुलदीप सिंह बिस्ट। अच्छा ये उनका मकान है। दादी नमस्कार। दादी नमस्ते। और ये है, हाँ? ये मेहरवान सिंह बिस्ट जी का मकान। अच्छा वो दिलबर सिंह बिस्ट और मेहरवान सिंह बिस्ट जी का। अच्छा दादी नमस्ते। वीडियो बन रही है। बनाओ बनाओ बनाओ। वीडियो बन रही है दार्जी की। अब वीडियो देखी थी दार्जी आपने? अच्छा स्वागत है। हाँ चल दार्जी सब ठीक ठीक सब बढ़िया। आप ठीक हो? नमस्ते भैया नमस्ते। कैसे हो? ठीक से? हाँ बढ़िया बढ़िया। आप ठीक हो? हर्षपाल ये कृपाल सिंह बिस्ट और हर्षपाल सिंह बिस्ट का घर है। मकान भी था इनका। अच्छा ठीक है ना। ये यहाँ से यहाँ तक लाल मिट्टी लाल वाला घर उनका जो कोट रखा है। अच्छा दादाजी दादाजी ये किसका है? आप किचन है? किचन ये श्याम सिंह बिस्ट जी का मकान है। अच्छा ठीक है। श्याम सिंह बिस्ट जी का घर है। ये किसका किसका मकान है? ये बच्चन सिंह बिस्ट जी। अच्छा ये सुरेंद्र सिंह बिस्ट। अच्छा उनका उनका ये उनका मकान है पूरा। हाँ। हाँ। उनका वो गौशाला है। गौशाला इधर है। हाँ। दादाजी हमारे लिए अनार छीन रहे खाएंगे भी अनार। वो तो खुश हो गए थे दिल्ली दिल्ली मेरे भैर भी। हाँ अमृतसर भी चल जाए फोटो। अच्छा सबने देखी थी वीडियो? अच्छा दादी 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 ज्यादा फेमस हो गई वैसे। दादी ज्यादा फेमस हो गई। दादी की वीडियो ली थी हमने महादेव सैन वाली। दार्जी कह रहे पूरे फेमस हो गई दादी तेरी अमृतसर पत्नी कहाँ कहाँ। हमारे गाँव तब क्या बजिया छोले नाट है भला अच्छा बोलो तो ले जाओ के मेर मई कब बटी देखा चुप गुण
अमरूद दादी नहीं थी कहती थी, दादी भी तो बोलती थी जब पैरों के लिए घुटने के लिए, दादी नहीं कहती थी कि पहले जब काम करते थे तो बारिश में भीग रहे हैं, कितना भीग रहे हैं, क्या भीग रहे हैं, कपड़े भी नहीं बदल रहे, वैसे ही खाना वैसे ही वो कर देना, ये बोलता था अगर पहले जरा घास लूँ ना तब बाद में चला बदलना। हाँ। और डूंगा बुखाइन छे पर बुखा सब बट के डांडा डंडी कु बट का मत चल गया और वो मधिया ही तो का डूंगों चोंप लगा के ए रे न बड़ा मराम तू ने भया ओ आ सामने नीचे पंदेर है मेरा तो गोरु बना। हाँ, वो नीचे पंदेर आपके कौन से वाले चाची, ये वाले? हाँ। अच्छा हाँ फोटो खींच रहा हूँ मैं। भाग रहे हैं, डर रहे हैं। पाड़ी गाय छोटी होती है चाचा, छोटी होती है, बिल्कुल छोटी होती है बिल्कुल। चाचा आप बताओ, अभी एक खेत है, मकान है, वाई एस नेगी और एम एस नेगी, एस एस नेगी। अच्छा, तीन लोग हैं? तीनों लोगों का। अच्छा, ये मकान है देखो। हाँ जी हाँ जी, नेगी परिवार का एक। बिल्कुल बिल्कुल, ये देख लो। ठीक है, दादी और चाची हो रहा है, जो दादी कह रही थी कि अपना हमारा मकान नहीं दिखाया आपने। ये देखो, कमल चाचा भी देखेंगे बाहर से। ये एक घर है उनका, पंडित जगदीश पटवाल, और ये है, ये है उनका ओम प्रकाश पटवाल जी का। अच्छा, ठीक है, ओम प्रकाश पटवाल, ललित पटवाल, ये इनका सरकार, ये इनका मकान। अच्छा दादी, नमस्ते। ये मकान है अमरदत्त बड़तार, राजेंद्र बड़तार और विजेंद्र बड़तार। अच्छा, ये सब दिल्ली रहते हैं? ये हाँ, ये लोग, इनका ये पुराना मकान है। हाँ जी हाँ जी, विजेंद्र बड़तार ने ये नया मकान बना। दादा जी नमस्ते। अब आ रहा है अपना घर, है हमारा घर ही, पुश्तैनी घर बोलते हैं इसको, मंदिर मंदिर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, थोड़ा सा कि ये मंदिर का पोर्शन है। हाँ, और ये सोनी का घर है। अच्छा, सोनी चाचा है, सोनी चाचा। हाँ। सोनी भाई का घर है। हाँ जी हाँ जी, ठीक है। और ये बीच में छोटू चाचा का, ये वाला है, ये छोटू का घर है, ठीक है। और वो एकदम लास्ट में प्रकाश भाई का, प्रकाश चाचा का घर। और ये हमारा मंदिर है। इतना अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से। चाची हमारा पीछा कर रही है। और यहाँ पे वो अभी जो आपको दादाजी मिले थे, तो ये उनका घर है, तो बचपन में हम यहाँ बहुत आते थे खेलने के लिए दादाजी के घर पे। दान सिंह बिस जी का, पान सिंह बिस जी का। अच्छा, ये नया मकान है इनका। हाँ, जो दादाजी अभी मिले थे वो उनका, ये उनका घर। सुनील नेगी का ये मकान है। कौन सा चाहिए वाले? अच्छा, ये बूढ़ी बैठ रखी है आजकल। दादी नमस्ते। नमस्ते। आजकल छुट्टियों में बूढ़ी गर्मियों में इधर आ रखी है। गर्मियों में यहाँ अच्छा है दादी, गर्मियों में यही ठीक है। हाँ, ये भी विजेंद्र शर्मा का घर है, विजेंद्र शर्मा। अच्छा, और ये रवि नेगी का घर है, ये वाला। अच्छा, ठीक है। और ये आजाद सिंह नेगी, नरेंद्र सिंह नेगी, देवेंद्र सिंह नेगी, उनका घर है, इनका पुराना वाला घर, प्रधान साहब का। प्रधान साहब का, अरे खरे चाचा का घर है। अच्छा, और यहाँ रहते हैं हम? नहीं रहते, अभी दिल्ली रहते हैं। अभी तो दिल्ली रहते हैं। अच्छा, ठीक है। और वो बजरो रहते हैं, वो लोग जिनका सामने घर, ये टूटा हुआ घर है जिनका, पड़ा हुआ है ये। अच्छा, और सीताराम जी का नाम, उनको सीताराम जी बोलते थे और महानंद शर्मा बोलते थे। अच्छा, तो दो भाई थे, तो उनका वो अलग से घर हो गया, अलग से टूटा हुआ है। ठीक है, ये वाला घर है। अच्छा, ये वाला इनको उन्होंने अभी नया बना रखा है।
ये कौन सा ख्वाल है? ये भी कोई ख्वाल है जैसे? किन लोगों का है ये? सिपाही ख्वाल है। अच्छा, ये पूरा सिपाही का ख्वाल है वाला है, जहाँ से मैं भी आए। ठीक है, और जो ऊपर थे वो बिस्ट ख्वाल था। और वो ललित भाई है, वो ललित भाई का नया मकान बना, नया मकान। ये भी दिल्ली रहते? प्रेम सिंह बिस्ट जी का और प्रताप सिंह बिस्ट जी का। अच्छा, और प्रतिपाल सिंह बिस्ट जी का। अच्छा, ये आजाद सिंह का। अच्छा, नया घर आजाद चाचा का घर है, और ये एकदम नया बना रखा है, नया है। और ये मकान है हमारे गांव के महपाल सिंह बिस्ट जी का। अच्छा, ये वाला सतेंद्र सिंह बिस्ट जी का। अच्छा, ये वाला, ये हमारे गांव के प्रधान थे। अच्छा, प्रधान दादाजी बहुत डरते थे हम इनसे बचपन में, हम इनसे बहुत डरते थे। दादाजी जब भी घर आते थे ना, ये नया मकान, बहुत डराते थे हमें। दादाजी उनका घर है सामने। और ये अर्जुन सिंह बिस्ट, दरबान सिंह बिस्ट जी का, ये उनका घर है। अर्जुन चाचा का जो अभी हमारा घर बना रहे, ये उनका घर है। ये उनका बिस्ट जी और प्रतिपाल सिंह बिस्ट जी का। और इधर ये अर्जुन सिंह और दरबान सिंह बीच पर नैनीताल भी रहते हैं वो लोग। हाँ 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 हाँ। उनका क्या बोलते हैं, उनका जसवंत सिंह जी और क्या बोलते हैं, गोविंद सिंह बीच जी और ज्ञान सिंह बीच जी, ये उनका मकान है। सारा उन लोगों का घर है। अच्छा, और ये हमारी छन्नी थी पहले, हमारी छन्नी थी। ये देखो, ये हाल हो जाता है फिर जब छोड़ दो। ये देखिए अब क्या हाल हो गया छन्नी का। वीरेंद्र सिंह जी का मकान है, वीरेंद्र सिंह बिस्ट जी। हाँ, ये इस साइड का। अच्छा, और इस साइड का है प्रभुदयाल सिंह बिस्ट, दीनदयाल सिंह बिस्ट और अच्छा शिव दयाल सिंह बिस्ट का। ये वाला घर है, ये वाला। अच्छा, है ना। और वो वाला सत्यप्रिया, सत्य प्रकाश और अच्छा ज्योतिर्मय और नागेंद्र। हाँ हाँ हाँ, वो तीन चार 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 पांच भाई हैं वो। अच्छा, उनका घर है ये उनका घर है। अच्छा, ठीक है, ये उनकी छन्नी भी है, ये प्रभुदयाल सिंह। अच्छा, और यहाँ पे नीचे हमारे गांव की मोस्टली लोग की सारी छन्नी इधर ही है नीचे एकदम। हाँ, ये रामकिशन जी का, वो सामने जो दिख रहा है। हाँ, वो रामकिशन जी का, गोवर्धन प्रसाद जी का। अच्छा, ये वाला घर है जो सामने दिख रहा है। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। उससे उसके वो आगे वो विकास समिति का। हाँ, वो पंदिर के पास हमारा। हाँ हाँ, और गाँव की सारी छन्नी नीचे है हमारी। बिल्कुल, ये मकान है। अरे प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ये घर है देशबंधु भड़तवार, दिनेश चंद्र भड़तवार और रमेश चंद्र भड़तवार, विष्णुदत्त भड़तवार और अवतार भड़तवार है। अच्छा, ये उनका है पूरा। ठीक है, ये और हाँ। हेलो हेलो। यहाँ पे खेल रहे बच्चे क्रिकेट। अरे ग्राम पंचायत भवन। हाँ, ये ग्राम पंचायत भवन। जो भी प्रोग्राम होते हैं, जो भी वो होते हैं, फंक्शन होते हैं, शादी वादी, वो सारी इधर होती है, इधर है ना। ये भी नया ही बना है चाचा ने एकदम। हाँ, तो जस्ट के बगल में ही ये हमारा घर है, जो हमारा घर बन रहा है और इस पे हम चल रहा है रिपेयरिंग वर्क है। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, शाम के टाइम का व्यू, और अब ज़्यादा क्लियर दिख रहा होगा पहाड़ों पर कि कहाँ कहाँ पर गाँव है और हर जगह लाइट है। वो देखिए आप वहाँ से देखिए, ये रहा गांव का व्यू। तो जितने भी लगे हैं सारे सोलर पैनल्स हैं, और नीचे पंचायत घर, और अभी हम लोग यहीं पे छत पर, और अभी खा के हम थोड़ा वॉक कर रहे हैं। और आप देख सकते हो पूरे गांव ही गांव, और लाइट्स रात के टाइम पे बहुत अच्छा लगता है। अब रात के टाइम पे ना इजीली दिख जाता है कहाँ कहाँ पे गांव है। आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ आपको लाइट दिख रही है, और ऊपर देखिए जहाँ पे भी हम गए थे, तो वहाँ पे जंगल में आग लग रखी है। हाँ, आप देख सकते हैं रात को और भी अच्छा व्यू, और सामने देखिए आप कितना ब्यूटीफुल लग रहा है मून। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आए होंगे, और बहुत लोगों को अपना घर देख के काफ़ी अच्छा भी लगा होगा। तो अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो कृपया करके क्षमा कर दीजिएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आई तो कृपया करके इसको चाहे ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें और अपने घरों को देख पाएँ। तो तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।